आओ सुने अच्छी बातें। किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह होना भी परेशानियों की कारण बन जाता है। कई लोग मोह के कारण सही और गलत का भेदभाव भूल जाते हैं। मोह को तड़ना यह प्रतीक माना गया है, प्रतीक प्रगति का निशानी है। जड़ता यानी यह व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है, बांध कर रखता है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो कार्य में सफलता नहीं मिल पाई। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से और हस्तिनापुर को राजपाट से अधिक मोह था। इसी कारण धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अधार्मिक कर्म के लिए भी मौन रहे। यह मोह के कारण कर वंश सर्वनाश हो गया। हमारे विनाश के कारण है मोह। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मोह को नष्ट करें। वो कहते हैं, Here I will, see no will, talk no will। जो बात तुम्हारे काम के नहीं वो सुनी अनसुनी कर दो। अपनी स्थिति को खराब मत करो। अपने मन की स्थिरता बनाए रखिए, भले ही आपको कोई कितना भी बुरा कहे, क्योंकि आपसे अच्छा आपके सिवाय आपको और कोई नहीं जानता। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आ जाता है। एक दूसरे के विचारों को समझकर चलने से बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन तपस्या है और यही सच्ची तपस्या है। हम करते चले तपस्या, मिटाते चले जीवन के सारे समस्याएं। खूबी और खामी दोनों होती है लोगों में। महत्वपूर्ण इस बात की है कि आप क्या तलाश कर रहे हैं, खूबी या खामी। जब हम खूबी को तलाश करेंगे तो हमारे जीवन खूबियों से भर जाएगा, और खामी से हम अपने पथ को निराशाजनक की ओर ले जाते हैं। इसीलिए सदा जीवन की विशेषताओं को भरने के लिए दूसरों की विशेषताओं को जरूर देखते चलें। अहंकार बहुत भूखा होता है और उसकी मनपसंद खुराक रिश्ते होते हैं, और वह रिश्ते को खा जाता है। आपकी नई सुबह इतनी सुहावनी हो जाए, दुख की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए। चेहरे पर हो इतनी मुस्कान आपके की मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, इन दो शब्द में सुख बेहिसाब है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। कोशिश आखिर सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी होती हैं। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ते कोई भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, उसे मैं निभाऊं सच्चे दिल से कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। पांव में यदि जान है तो मंजिल हमसे दूर नहीं, आंखों में यदि पहचान है तो इंसान हमसे दूर नहीं, दिल में यदि स्थान है तो अपने हमें दूर नहीं, भावना में यदि जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं। जीवन में कुछ अच्छाइयां ऐसे भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और ना गवाह होना चाहिए। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करना जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करना बड़ा कोई दान नहीं। आजकल लोग समझते कम समझाते ज्यादा हैं, तभी तो मामले सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। रिश्तों को निभाने में भावनाएं होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं।
अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से ना करें। यह अपने चरित्र की परीक्षा है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पड़े और पेड़ हमेशा पत्ते बदलना है, ना कि जड़ बदलते हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, बल्कि इसलिए आप में सुश्रेष्ठ संस्कार है। जीवन गुजर जाती है ये ढूंढने की, ढूंढना क्या है, अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाना है। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। मुस्कुराइए, मुस्कुराना सिखाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए। ओम शांति।